बन गया एक नया रिश्ता, मिल गई दो समधने, वो भी अनजाने में, और दोनों ही समधनों को मिलवा दिया है महादेव ने। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की मॉम की एंट्री हुई है, जो पारुल चौहान निभाने वाली हैं, और उसकी अक्षरा से मुलाकात भी हो गई है, और वो भी मंदिर में एक्सीडेंटली। हाँ, कोई अपना सा लगा है। मंदिर में कार्तिक की मम्मी से मुलाकात होती है, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि वो कार्तिक की मॉम है, और मुलाकात जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो कार्तिक की माँ है, और उसके बाद मैं उनका पीछा करने की कोशिश करती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब तक वो निकल जाती हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं हम दोनों, लेकिन अभी नहीं पता है कि यानी हम लोगों का रिलेशन क्या है। मुलाकात तो बहुत ही प्यारी है, दोनों भगवान के सामने थे और कार्तिक की मॉम के हाथ से थाली गिरने ही वाली थी, मगर अक्षरा ने उसे बचा लिया, और फिर दोनों की नजरें मिली, कुछ स्माइल हुई, और दोनों भगवान को अपनी अपनी प्रार्थना करके निकल गए। लेकिन कार्तिक की मॉम की प्रार्थना कुछ और ही है, जरा सुन लीजिए क्या है उसकी प्रार्थना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोगों से बहुत 8 साल पुराना रिश्ता है लोगों का, और सुवर्णा की नई एंट्री हो रही है, तो जैसे सबको प्यार दिया है वैसे मुझे प्यार देते रहिए, मेरे साथ एक अच्छा सा नया रिश्ता बना लीजिए, थैंक यू। अब अक्षरा कार्तिक की मॉम का पीछा करने वाली हैं, क्योंकि आप जान ही चुके हैं कि यहाँ से जाने के बाद ही उसे पता चला कि ये कार्तिक की मॉम हैं, लेकिन इसी दौरान शायद उसका एक्सीडेंट होने वाला है। अक्षरा भले ही दूसरों की मदद करती हो, दूसरों का सहारा बनती हो, लेकिन अंत वक्त में उसका कोई सहारा नहीं होगा, और वो भगवान को प्यारी हो जाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।